विदेश मंत्रालय ने कारोबारी विजय माल्या का पासपोर्ट किया रद्द। ईडी के सबूतों के आधार पर की गई पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई, किसी भी नोटिस का नहीं दिया जवाब। क्यूनेट के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन। जी बिजनेस ने बेपर्दा किया था क्यूनेट का झूठ। निवेश के नाम पर कंपनी ने लोगों को लगाया लाखों का चूना। पीएम मोदी ने की मन की बात में सूखे पर दिए किसानों को दिए सुझाव। गंगा की सफाई पर बोले, चाहिए लाखों करोड़ों की भागीदारी। व्यवस्था के ढीलेपन के आगे भावुक हुए देश के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर। पीएम मोदी के आगे रखी जजों पर पड़ने वाले बोझ की बात। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दिया विवादित बयान, बोले भारत माता की जय ना बोलने पर होगी कानूनी कार्रवाई। मॉर्फ्ड फोटो सामने आने के बाद मुश्किल में टीएमसी। पीएम मोदी की तस्वीर को प्रकाश करात की बताकर किया पेश, बीजेपी करेगी कानूनी कार्रवाई। बजट सत्र के दूसरे पार्ट की शुरुआत होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कई मुद्दों पर बहस, सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार। रियो ओलंपिक के लिए सलमान को गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने उठाए सवाल, कहा क्या सलमान जीतेंगे मेडल, मिल्खा सिंह ने भी किया विरोध। बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, अयोध्या आने का दिया न्योता, फूलों से करना चाहते हैं स्वागत। और टोरंटो में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को मिला ग्लोबल इंडियन अवार्ड, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगदान के लिए सम्मान। अवार्ड में मिली राशि एकल विद्यालय को दी दान।